जिस समय पटना के राजनीतिक गलियारे में बॉबी हत्याकांड की आंच धधक रही थी, उसी समय के आसपास एक और बड़े मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था और मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र की जमकर किरकिरी हुई थी। यह मामला था पटना के गांधी मैदान और पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को गिरवी रखने का। गांधी मैदान और प्लेटफॉर्म गिरवी रखने के मामले का खुलासा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के दिवालिया होने के बाद उसके ऑडिट के दौरान हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के एक बड़े नेता थे नवल किशोर सिन्हा, कुर्मी जाति के थे। 1972 में हिलसा से विधायक चुने गए थे। जगन्नाथ मिश्रा परिवार से उनका घनिष्ठता था। 1980 के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में आई, डॉक्टर मिश्रा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नवल किशोर सिन्हा के राजनीतिक स्थापन की राह निकाली। पटना में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए नवल किशोर सिन्हा। बैंक खोलने के पीछे का मकसद था कि कुछ कार्यकर्ताओं का भला किया जाए। नवल किशोर सिन्हा ने अपने कार्यकर्ता के नाम पर उसी बैंक से गाड़ी फाइनेंस कराया। गाड़ी का नंबर था 6738। ये कार्यकर्ता बाबू साहब थे और मसौढ़ी के पास किसी गांव के रहने वाले थे। गाड़ी अध्यक्ष के लिए खरीदी गई थी, लेकिन उसका फाइनेंस कार्यकर्ता के नाम पर किया गया। कार्यकर्ता का नाम गोपाल कृष्ण सिंह था। एक शाम गोपाल कृष्ण से बैंक के फील्ड ऑफिसर ने कहा कि गाड़ी लिए हैं तो कुछ बंधक रखना होगा। फील्ड ऑफिसर भी अध्यक्ष के चहेते थे। बाबू साहब ने कहा कि गाड़ी अध्यक्ष जी की है, कोई सामान या जमीन बंधक वही रखेंगे। यह बातचीत भूजा खाने के दौरान हो रही थी। गाड़ी अध्यक्ष की है तो फील्ड ऑफिसर भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बाबू साहब से कहा कि एक सादा पन्ना ले आइए। वे सादा पन्ना लाए। इसके बाद फील्ड ऑफिसर ने कहा कि लिखिए गाड़ी के एवज में पटना का गांधी मैदान और प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बंधक रखा जाता है। यह कागज अंग्रेजी में बनाया गया। फील्ड ऑफिसर ने उस कागज को फाइल में लगा दिया। अध्यक्ष की गाड़ी थी और कुछ भी लिखकर कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का दम जल्दी ही फूलने लगा और कुछ सालों में दिवालिया हो गया। जब उसके कागजों का ऑडिट होने लगा तो अध्यक्ष की गाड़ी की फाइल खुली और खुल गया सिस्टम का सच। इस घटनाक्रम से जगन्नाथ मिश्रा का कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनके ही कार्यकाल में बैंक खुला और जल्द ही हांफने लगा था, इसलिए बदनामी का छींटा उनके दामन तक पहुंचा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस प्रकरण ने नवल किशोर सिन्हा की राजनीति तबाह कर दी और उन्हें लंबे समय तक अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया।